मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं बालिका आश्रम किया, उन बच्चों ने मुझसे कोई मांग नहीं की, उन्होंने कोई अनुरोध नहीं किया, मैंने उनके भाव को समझा, उनके अंदर क्या भावना पनप रही है मैंने उसको जाना, उन्होंने नहीं मांगा। और हिंदुस्तान का पहला कानून चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में, मुख्यमंत्री सुख आश्रय के रूप में हमने नई योजना लाई। आज 27 साल तक सरकार पढ़ाई पर खर्चा करेगी। फिर हमने एक और चीज देखी, कई हमारी बहन बहनें बहुत जल्दी विधवा हो जाती है, घर में बच्चे होते हैं, कमाने वाला जब चले जाता है तो उस बहन पर क्या बीत जाती है। इस दूसरे बजट में मैंने 1,15,000 विधवा महिलाओं के बच्चों को, जिनकी उम्र जितना भी पढ़ना चाहे, 27 साल तक हमारी सरकार उनकी पढ़ाई का, उनकी हॉस्टल का, उनकी फीस का पूरा खर्चा उठाएगी। ये इस बजट में हमने रखा। ये दूसरा बजट चल रहा था, विधानसभा का सत्र था, और हमने दूसरा बजट में ये योजना लाई थी। मैंने देखा गांव में बुजुर्ग जा रहे हैं, उनके बेटे बाहर कमाने गए हैं, कई बार तो ऐसी हालत है कि इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है कि उसके घर में सोसाइटी से पैसे उठाने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। हमने दूसरे बजट में हिमाचल प्रदेश में जितने भी बुजुर्ग रह रहे हैं उनके लिए एक योजना लाई कि 70 साल से ऊपर का जो भी बुजुर्ग होगा उसकी इलाज का खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। ये योजना भी आने वाले समय में अभी धरातल पर आपके पास आएगी। मनरेगा में कितने भाई बहन हमारे काम करते हैं, दिहाड़ी मिलती है, असेसमेंट के कारण कम हो जाती है, और मनरेगा में कई परिवारों का पालन पोषण होता है। इतिहास में सबसे ज्यादा वृद्धि एक ही साल में 60 रुपए, जो मनरेगा की दिहाड़ी जो ट्राइबल के अलावा 240 रुपए थे, इसको बढ़ाकर 300 रुपए किया और आपको 350 किया। ये क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नीतियां आम आदमी तक पहुंचने की है। आप गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, किसी ने सोचा था कि गाय का दूध भी सरकार खरीदेगी अगर इस रेट से कम जाएगा? हमने गाय के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस 45 रुपए किलो दिया, भैंस के दूध के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस 55 रुपए किलो दिया। अब जहां गाय भैंस होगी वहां गोबर भी होगा। हमने कहा कि गोबर से पैदा होने वाला जो एक गेहूं है या मक्की है उसको भी सरकार 40 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं खरीदेगी, 30 रुपए किलो के हिसाब से मक्का खरीदेगी, क्योंकि हम किसान के हाथ में पैसा देना चाहते हैं। ये सब योजनाएं अभी दूसरे बजट में थी, और तभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, और राज्यसभा के चुनाव में वो मेरे इन बजट में जो मैं योजना लाए बहुत प्रशंसा कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया। 6 तारीख को जो बीके पे 6 विधायक थे वो इधर भी साथ कर रहे थे, इनके साथ बड़ी गपशप मार रहे थे, कुलदीप सिंह खंडे जी के साथ, नीरज जी के साथ भी 1-2 आदमी लगे हुए थे। हम भी पहुंच गए, विक्रमादित्य सिंह के साथ भी गप्पे मार रहे थे। अब सब लोगों के साथ गप्पे मार रहे, बजट में बड़ी बड़ी बातें कर रहे। अब राज्य के सभा के समय सबसे वरिष्ठ हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सबसे लीडिंग एडवोकेट को पार्टी ने चुना। पार्टी किसी को भी टिकट दे सकती है क्योंकि हम पार्टी के नुमाइंदे हैं, और ब्रेक फास्ट में से ले लिया, मैंने फ्रेश जूस मंगाया, ठीक रहेगा, बोला फ्रेश है, मैं बोला फ्रेश है, फ्रेश जूस लाओ उनको, कोई बोले कि दो अंडों का ऑमलेट अच्छी तरह बना के लाना, संजो क्या पता था क्या ऑमलेट 12:30 खाए थे, अच्छी बोर्ड कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ वोट दिया, वोट दे दिया, कोई बात नहीं, मेरे से नाराजगी हो सकती है। हमारे साथियों को हमने कहा कि उससे बात करो, हमारे साथी उनसे कुछ बात भी करने लगे कि आ जाओ हमारी नाराजगी मेरे से सच्चे, सारे काम मेरे से करवाए। अगर विधानसभा की उनकी स्पीचें सुनो तो मेरी प्रशंसा में उन्होंने ऐसे फूल बांधे हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने देखा विधानसभा की कहीं पे आ रही है और फिर मान मनाने की बात आई, पता लगा कि वो सीधे चले गए पंचकूल। हरियाणा सरकार की वो अब पंचकूल में क्यों चढ़ा, वोट आपने खराब डालते, कोई बात नहीं, उसमें कोई अनसीट नहीं होता। और पता लगा कि किस्त लेनी थी, पैसे की डिलीवरी वहां होती थी। अब पैसे की जब आती डिलीवरी होगी, अगले दिन फिर आ गया, मैं बोला चलो डिलीवरी ले ली थी, आ गया आइजन गए, कांग्रेस इस वापिस आइजन गए। बजट चला हुआ था, अब हमारे बजट में जिसमें ये योजनाएं मैं आपको गिना रहा था ना, ये योजनाएं को मैंने बोला ये सब लोग पास हुए मदद करेंगे। अभी बजट में चर्चा हो रही थी, स्पीकर साहब ने बोला कि मैं तो कानून का ज्ञाता हूँ, संजो भी डर गया था, बार को भी स्पीकर साहब डांट देते। बोला भाई मैंने पाया कि बजट में सब प्रेजेंस होने थी, हम सब बजट में बैठ गए और मैं तैयारी कर रहा। बड़ी बड़ी खबर चल पड़ी कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मैंने बोला मैंने क्यों इस्तीफा दिया, 35 साल कांग्रेस में रगड़ रगड़ कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूँ, आम जनता की सेवा के लिए पहुंचा हूँ, ऐसे इस्तीफा दे दूंगा, हम आम जनता के लिए आए, हम तो संघर्ष की राजनीति से आए हैं, आप जैसे परिवारों से आए हैं। कैसे बजट की स्पीकर साहब ने हाउस बुलाया, हमने बोला कि 6-7 जो लोग हैं ये भी बजट में आएंगे, सबकी अटेंडेंस लगती है, अटेंडेंस भी लगती, सबने अटेंडेंस भी लगा दी। अटेंडेंस लगने के बाद विधानसभा सभागार के अंदर जब जाते हैं तब हमको विधानसभा सभागार में अटेंडेंस के पैसे मिलते थे। सबने अटेंडेंस लगाई, हम सब बैठ गए 2:30 बजे बैठ के बजट पर चर्चा हुई और बजट पर चर्चा में हमने सोचा 6 के 6 आएंगे। पता लग गया कि जैसे आता है हेलीकॉप्टर आना, 2 आए, एक भी नहीं आया, चाहे फिर उड़ेंगे। विधानसभा से पंखों की आवाज आए, उड़ गए। और जब पंखों की आवाज होकर उड़ गए तो हमारे पार्लियामेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान जी ने कहा कि सर वो तो 6 विधायक है ही नहीं, कहाँ चले गए, अटेंडेंस लगी हुई है। लेकिन वो वहां से उठकर सीधे पंचकूला चले गए, सीआरपीएफ वाले हैं। चलो भी आपने गलती की, चलो आप आ जाते, कोई बात नहीं, आए, अभी भी चुके थे। पर इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि 1 महीना हिमाचल प्रदेश की सीमा के अंदर क्यों नहीं आया और अब आए हुए हैं तो सीआरपीएफ लगाएंगे। अरे भाई हिमाचल पुलिस भी आपको सुरक्षा देगी, आपका पूरा ख्याल रखेगी, आप आइए। ये नई परिवार की संप्रभुता पर हमला है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जो भी पार्टी जनता की भावनाओं का सौदा करती है, ये आपकी भावनाएं होती है। जब आप अपने प्रत्याशी को चुनकर भेजते हैं और बेचने के 14 महीने के अंदर ही आप पैसे लेकर बिक जाते हैं, वो कभी जनता के सच्चे सेवक नहीं हो सकते। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई हिमाचल प्रदेश की जनमन की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है। इन्होंने एक राज्यसभा की सीट चुराई है। अगर जनता चाहे तो इनसे 4 लोकसभा की सीटें कांग्रेस के पक्ष में वोट डाल के इसका जवाब दे सकती है। कल को तो कोई भी आएगा बोलेगा 14-15 महीने बाद नोटिस टैक्सी थी क्या बोलेगा मैं चल गया करने बढ़ी गया। कल को कोई भी आगे ऐसे दे सकता है, अपना ईमान बेच सकता है, वो आपका सेवक नहीं हो सकता। हम जनता के लिए है। हमारी सरकार को सिर्फ 15 महीने हुए हैं और 15 महीने में हमने जनता से जुड़े हुए, आम लोगों से जुड़े हुए फैसले किए हैं। जो कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते थे उनसे पूछा जाना चाहिए, हम इसका राजनीतिक लाभ के लिए, फायदे के लिए नहीं हमने किया। करते तो 2027 के चुनाव से पहले करते, लेकिन हम उनको सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाना चाहते थे। और एक साल में देखिए, इस 15 महीने में हमारी सरकार ने 2200 करोड़ रुपए का राजस्व को भलाई किया, 2200 करोड़ का, जिसका फायदा सरकारी कर्मचारियों को हुआ, किसान को हुआ। आज उनको हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, 4% दिए और दिया। पुलिस वाले थे 7 रुपए डाइट मिलती थी, अधिकारी आके बोलते कि 400 रुपए कर दो। महिला क्यों कर दो, जब हमने 2200 करोड़ कमाया, हमने उनकी डाइट वाली को भी 210 से बढ़ाकर 1000 रुपए किया, क्योंकि हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे जो बंद किए, वो पैसा जो हमने कमाया वो जनता का था। यही नहीं, बार बार जयराम जी बोलते थे, बिंदल जी बोलते थे कि गारंटियां क्या है, 1500 कब आएंगे, कब देंगे 1500। मैं चुपचाप अपना काम करता रहा, मैं सरकार के खजाने को भरता रहा। मुझे पता है हमारे हिमाचल में परिवार जो है और परिवार की कुंजी जो है महिलाओं के हाथ में। मैंने फैसला किया 3 मार्च को, हमने 3 मार्च को हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। 18 साल से ऊपर की जो भी बेटी होगी, ये मैं मुख्यमंत्री के तौर पर आपको फिर कहना चाहता हूँ, और जब तक उसके शरीर में अंतिम सांस होगा, हमारी सरकार हर महीने 1500 रुपया देगी और साल का 18,000 रुपये देगी। किसान सम्मान निधि में सिर्फ 6,000 रुपया मिलता है, उससे 3 गुना ज्यादा 18,000 अपनी बहनों को देगी। ये हमारा पैसा नहीं है, ये आपका पैसा है, जो हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे जो 5 साल जयराम ठाकुर जी जिसको ठीक नहीं कर सके, हमने ठीक करके ये पैसा आपने बांटा। अभी तो शुरुआत है। इस हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना 2027 तक हमारा लक्ष्य है और 2032 तक हिमाचल प्रदेश की जो 75 लाख जनसंख्या है वो सबसे समृद्धशाली होगी और हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य बनेगा। ये सोच कांग्रेस पार्टी की। और आज मैं आपके बीच क्यों आया, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। जो लोग कुर्सी के भूखे होते हैं, सत्ता के भूखे होते हैं, वो जनवर का ध्यान नहीं रखते, धनबल के नाम से कुर्सी हथियाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में भी धनबल से उन्होंने कुर्सी हथियाई, मध्य प्रदेश में भी धनबल से भी उन्होंने कुर्सी हथियाई, गोवा में भी धनबल से उन्होंने कुर्सी हथियाई, कर्नाटक में भी धनबल से उन्होंने कुर्सी हथियाई। लेकिन हिमाचल के देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ था। जिस भगवान को चुनौती जयराम ठाकुर जी ने विधानसभा के अंदर दी कि सरकार को भगवान नहीं जा सकता, उस आम आदमी मुख्यमंत्री को उसी भगवान ने और इसमें माध्यम होने वाले स्पीकर महोदय कुलदीप सिंह पठानिया जी, जिनके माध्यम से आज हिमाचल प्रदेश में आम जनता की सरकार। और अब समय आएगा 1 जून को, जब आपने जो बोलते हमारी अंतरात्मा नहीं मांगी, उनकी अंतरात्मा नहीं थी, उनकी धन आत्मा नहीं मांगी, उनकी आत्मा नहीं थी, धन आत्मा नहीं मांगने दे रहा था कि हमारे पैसे फंसे हुए, पूरी किस्त नहीं मिली है, सब एक महीना मार रहे। 1 जून को आपके पास सबसे बड़ी ताकत जो कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बाद, देश के आजाद होने के बाद आपको किसी पार्टी ने दी है, वो ताकत वोट की आपको कांग्रेस पार्टी ने दी। उस ताकत का अगर आप सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 जून को जब आप वोट डालने जाए तो कांग्रेस पार्टी की 15 महीने की सरकार आपके सामने जो हमने कार्यक्रम रखे, काम रखे हैं, उसका ध्यान रखें और जिसने उन्हें लोकतंत्र को गिरने की कोशिश की है उसका मुंहतोड़ जवाब दें। विक्रमादित्य एक ऐसा युवा प्रत्याशी हमारे सामने जो आपदा में, सड़कें घुमाने में, आम लोगों के बीच आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। एक ऐसा व्यक्ति जो जेसीबी में बैठकर सड़कें खुलवा रहा था। एक ऐसा हमारा कैबिनेट मिनिस्टर जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, जो आए दिन शाम को हमारे साथ बैठक करके कैसे बजट में पैसे दिलवाने हैं, कहीं पैसे की कमी नहीं आने दी, कहीं भी सड़क को रुकने नहीं दिया, वो आज कांग्रेस पार्टी ने आपकी सेवा के लिए आपके बीच भेजा है। युवा है, अच्छा बोलने वाला है, आपके दर्द को समझता है। वीरभद्र सिंह जी भी जनता के बीच रहकर 6 बार मुख्यमंत्री बने, उनके बेटे हैं। इस बेटे को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और अभी हमारी 3.5 साल सरकार, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ विक्रमादित्य जी अगर यहाँ से जीत कर जाएंगे तो लोकसभा में कंगना तो बेचारी डायलॉग बोलेगी, उनको बोलने नहीं दिया जाएगा। विक्रमादित्य जी आपके मुद्दे उठाएंगे। कंगना फिल्म इंडस्ट्री में भी अच्छी बात है, संघर्ष किया, अपना फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचा। जयराम ठाकुर जी ने किसी तरह अपना पिंड छुड़ाना था क्योंकि उनको चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे थे। जयराम जी को जब ये पता लगा कि विक्रमादित्य जी मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे तो पीछे हटने लग पड़े। अरे पूर्व मुख्यमंत्री है, क्यों डर रहे हैं विक्रमादित्य जी से? तो पूर्व मुख्यमंत्री जी 5 साल सो रहे, बोलेंगे जनता को क्या जवाब दूंगा? सिराज में जब अत्यधिक बारिश आई तो मैं और विक्रमादित्य जी वहां गए तो उन्होंने बेचारे कंगना जी से अनुरोध किया कि आप आइए, आप लड़िए, आप हंसिए। अब भारतीय जनता पार्टी आजकल कंगना जी ऐसे लगती है कि मंडी संसदीय क्षेत्र में कोई शूटिंग चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका सक्रिय लिख रहे हैं और डायरेक्शन जयराम ठाकुर जी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है, आप देखिए कि पूरे परिधान बदल के, परिधान बदलने से पूरा आपने जिस जगह जा रहे हैं पूरे परिधान बदले, अच्छी बात है, उसमें भी मैं टिप्पणी कर रहा हूँ, लेकिन आप भी भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंस गए। बेचारों को लगता कि शूटिंग की लोकेशन आज यहाँ है तो वहां दिखाते हैं, वहां परिधान बनाते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो स्क्रिप्ट लिखा होता है कि आज विक्रमादित्य के खिलाफ आपने ये बोलना है तो उसको पढ़ते हैं और विक्रमादित्य जी के खिलाफ बोल देते हैं। उसकी डायरेक्शन कौन दे रहा है? कट एंड शॉर्ट कौन कर रहा है? जयराम ठाकुर जी का। तो आपने ये देखना है, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, अच्छी बात है और निश्चित तौर पर आप भी दुनिया में अच्छा अपना नाम कमाया, लेकिन राजनीति में आप जयराम जी की डायरेक्शन पर मत जाओ, वो फिल्म फेल हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग 1 जून को जब वोट डालने जाए, हमारी सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम 15 लाख देंगे, हमारी सरकार ने कहा हम 1500 देंगे और उसको देंगे। हमारी सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 10 साल से 2 करोड़ रोजगार का खड़ा करें। हमने 1 साल में 20,000 रोजगार दिए। आने वाले समय में रोजगार और मिलेगा। इसलिए 1 तारीख को जब जाओगे तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि जो लोकतंत्र को खींचने की कोशिश करते हैं, जो पैसे के दम पर सत्ता की कुर्सी करना चाहते हैं, तो क्या आप लोगों के साथ आए? आए कि नहीं आए? हाथ खड़ा करके बोलिए, दोनों हाथ खड़ा करके बोलिए ना, और पीछे वाले भी खड़े करके दोनों हाथ खड़े। तो जब आप इस लोकतंत्र को बचाने की बात करेंगे और देवी देवताओं में आस्था रखने की विश्वास करते हैं, तो सबसे युवा प्रत्याशी हमारे विक्रमादित्य को मेरा ये मानना है कि भरमौर से आप अधिक से अधिक जीत लाएंगे, मैं आपको वादा करता हूँ। भरमौर में मैंने पहले भी आना था, जो भी आपकी मांगे होगी मैं पूरी करूंगा। मैं विक्रमादित्य चुनाव जीतने के बाद विक्रमादित्य जी जो भी वादा आपसे करेंगे, जो भी वादे आपसे करेंगे, चुनाव जीतने के बाद मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, विक्रमादित्य जी जो भी वादा यहाँ करेंगे उन सब वादों को मैं हमारी सरकार पूरा करेगी। हमारी सरकार के 3.5 साल है, 3.5 साल में जो वादा ये करके जाएंगे पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से विक्रमादित्य जी के लिए आप सब लोग हाथ खड़ा करिए। बोल दूंगी आप एनसीआई के स्टेट प्रेसिडेंट और साहब को समर्पित करेंगे।